रोहित शर्मा के फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है इस वक्त की, और बड़ी खबर ये है कि आईसीसी के द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में रोहित शर्मा तीसरे पायदान पर जा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पहले ओडीआई में उन्होंने 60 रनों की जबरदस्त पारी खेल करके भारत को जीत दिलाई थी। हालांकि दूसरे मुकाबले में बल्ला उनका जरूर नहीं चला, लेकिन फिर भी रैंकिंग में सुधार हुआ है। नंबर 3 पर इस समय आईसीसी ओडीआई मेंस बल्लेबाजों की जो रैंकिंग है उसमें वो पहुंच चुके हैं, और ऐसे में कहना होगा कि बहुत जल्द वो नंबर 1 की पायदान भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा 2 महीने तक क्रिकेट से दूर थे। अफ्रीका दौरे पर भी उनके पास मौका था 3 ODI खेलने का, लेकिन वो चोटिल थे, हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, इसलिए वहां खेले नहीं। अदरवाइज हो सकता था कि अभी तक हम बात कर रहे होते कि रोहित शर्मा नंबर 1 पर काबिज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं। अब जब देर से ही सही वापसी जब की है, कप्तान रोहित शर्मा ने जबरदस्त वापसी किया, पहले मैच में 60 रन, दूसरे में बल्ला बोला नहीं, लेकिन तीसरे मैच में फिर मौका होगा कि एक बड़ी पारी खेल करके नंबर 1 पर काबिज होने की प्रक्रिया वो शुरू कर दें, क्योंकि इस समय रोहित शर्मा आईसीसी मेंस ओडीआई बल्लेबाजों की जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें नंबर 3 पर है, 807 रेटिंग अंक उनके पास में है। उनसे ऊपर विराट कोहली नंबर 2 पर है 828 अंकों के साथ में, लेकिन विराट का बल्ला खामोश नजर आ रहा है, उनको भी बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज जो कही जा सकती है वो ये कि बाबर आजम जो टॉप पर इस समय मौजूद है नंबर 1 पर, उनकी जो जगह है उसको कहीं ना कहीं अब खतरे में डालने की कवायद इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू कर दी, और इन दोनों बल्लेबाजों से अब बाबर आजम को खतरा जरूर है। नंबर 1 पर है वो, लेकिन नंबर 2 पर विराट कोहली, नंबर 3 पर रोहित शर्मा, और ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए इस समय टॉप 10 में बने हुए हैं, टॉप 3 में बने हुए हैं आप कहें तो गलत नहीं होगा। और रोहित शर्मा जिस तरीके से जबरदस्त पारी खेले उन्होंने पहले मैच में, उसके बाद कप्तानी शानदार रही दोनों मुकाबलों में, उम्मीद करेंगे कि अगले मुकाबले में कप्तानी के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी और एक बड़ी पारी रोहित शर्मा के बल्ले से भी देखने को मिले और वो नंबर 1 पर काबिज हो जाए। आपका क्या कहना है इस आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग को लेकर के आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में आप क्या सोचते हैं कॉमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।